गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ वीडियो ऑन सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. इन द प्रीवियस वी हैव डिस्कस हाउ दीज हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन एंड प्लैट्यूज हैव बीन फॉर्म्ड. नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ दीज. विल स्टार्ट विद हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स आर कॉल्ड एज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. जियोलॉजिकली यंग मतलब सबसे नए माउंटेन हैं जो बने हैं ये, और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन प्लेट के कन्वर्जन बाउंड्रीज वाले याद हैं, उसमें फोल्ड वाली एक्टिविटी हुई जिससे ये बने, इसीलिए स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन. और कहाँ लोकेट करते हैं, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप. लुक एट द मैप, आपको मैप में दिखाई देगा, है ना. ये दिस आर द नॉर्थ मोस्ट, ये देखो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है ये, राइट. यहाँ तक एक्सटेंड करता है, फिर हम यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे और फिर ये प्लैट्यूज को पढ़ेंगे हम, फाइन. ओके, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, अब समझ में आया आपको. और रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफियस एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. बैरियर का काम करता है, यहाँ इतनी आसानी से कोई कंट्री मतलब एंटर भी नहीं कर सकते. और एंड सेकेंड कि रशिया से जो कोल्ड विंड्स और दूसरे या इस उस रीजन से अगर कोल्ड विंड्स आए तो उसके लिए भी एक बैरियर का काम करता है, फाइन. हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती ना जैसे दूसरे पार्ट में हो रही है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट कि इसकी विथ कितनी है. टोटल ये एरिया कितना कवर करता है, 2400 किलोमीटर्स. और विथ वेरी करती है 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर, अगर आप कश्मीर के पार्ट को देखो, एंड 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. और इसकी हाइट में वेरिएशन में भी फर्क है. कैसा है, दीज आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ से, ठीक है. इसमें वेरिएशन है, इसके हाइट में भी वेरिएशन है. एक जैसा नहीं है सारा का सारा कि ये इसी हाइट से ही चारों मतलब नॉर्थ से कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश एक ही हाइट रहेगी, नहीं, हाइट में भी वेरिएशन है इसकी. ओके, अब हम माउंटेन्स का डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है. हिमालयन माउंटेन्स का दो तरह से डिवीजन करते हैं हम इसका. वन इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिवर पे पढ़ेंगे हम. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में पढ़ेंगे बेटे हम हिमाद्री फर्स्ट, जो हम डिवीजन करेंगे इसका हिमाद्री, जिसको ग्रेटर या इनर हिमालय भी कहते हैं. सेकेंड हिमाचल और लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय भी कहा जाता है इसे. लास्ट बचा शिवालिक, आउटर हिमालयस भी कहते हैं. अगेन विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ मैप. ओके, लुक एट दिस मैप. अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ने वाले हैं. देखो बेटे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में क्या है, ये हम इस तरह से पढ़ेंगे, हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे, पर एक रेंजेस के हिसाब से पढ़ेंगे. ये वाली फर्स्ट वाली रेंज जो है वो हमने कौन सी पढ़ी, हिमाद्री. सेकेंड जो है वो हिमाचल है जिसे. थर्ड को हम कहते हैं शिवालिक, और इसके नीचे क्या क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है हमारे पास ये, फाइन. अब हम इसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द हिमाद्री और ग्रेटर और इनर हिमालय जिसे कहते हैं हम. ये सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है, अभी मैंने आपको बताई थी. सबसे पहले वाली रेंज को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं. मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ लॉफियस पीक, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक हैं इसमें. और एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर. द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एक जैसे नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, अनइवन से मिलेंगे आपको, कहीं ऊंचे कहीं नीचे, है ना. कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज परमानेंटली स्नो से ढका रहता है ये. नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो है, यहां से चलते, ग्लेशियर्स क्या होती हैं, रिवर ऑफ आइस, राइट. ये ग्लेशियर्स जो है यहाँ बहुत सारे जमे रहते हैं, जब मौसम चेंज होने लगता है तो इन ग्लेशियर्स जो है ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और फिर इन्हीं से रिवर्स में पानी चलना शुरू हो जाता है. ओके स्टूडेंट, इसमें देखो हमारे पास सम ग्रेटेस्ट पीक ऑफ द हिमालयस इसी रेंज में मिलेंगे हमें. जैसे ये नेपाल में भी आता है, तो नेपाल में सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद इंडिया में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कंचनजुंगा, ठीक है. और मैं और भी है बाकी, ये आप एक बार देख लेना प्लीज. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट हिमाचल. रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे वाली रेंज को हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, जैसे लेसर हिमालय भी कहते हैं. किससे बना है ये, कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक से बना हुआ है. एवरेज एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है इसकी, 3700 एंड टू 4500 मीटर. एंड द एवरेज विड्थ कितनी है इसकी,
50 किलोमीटर्स। बहुत सारे पी जैसे पीर पंजाल जो है रेंज फॉर्मर लॉन्गेस्ट, और दूसरे भी रेंजेस मिलेंगे जैसे महाभारता और अदर प्रोमिनेंट रेंजेस मिलेंगे आपको यहाँ। एंड फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगरा, कुल्लू वैलीज आर बेसिकली फाउंड इन दीज रेंज। नाउ विल टॉक अबाउट शिवालिक, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, जो सबसे नीचे आया वो शिवालिक है। किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री ब्रॉड बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड इन द फर्दर। मैंने आपको बताया था रेंज इस, ये थर्ड वन है। एवरेज हाइट रेंज वेरीज फ्रॉम 900 मीटर से 1000 या 1100 मीटर्स एंड दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी? 10 to 15 किलोमीटर्स। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ मेनी दून्स। अब ये दून्स क्या होते हैं? दून्स आर ब्रॉड वैलीज बिटवीन द हिमाचल रेंज एंड द शिवालिक रेंजेस। इन अदर वर्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक। एग्जाम्पल देहरादून, ये तो आपने सुना ही है, पातली दून एंड अदर मेनी अदर दून्स। दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक किसे ग्रेवल्स एंड एलिवेल्स से भरे हुए हैं। वी हैव कवर्ड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड डिविजन, हिमालयन माउंटेन डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये किसके बेसिस पे होते हैं डिविजन? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर होते हैं। ओके स्टूडेंट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।